नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्य और आज इस वीडियो में मैं आपको एपिमर्स के बारे में जानकारी दूंगा। किसके बारे में? एपिमर्स के बारे में। बहुत ही कंफ्यूजिंग है ये छोटा सा वर्ड जो है, बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, कम्पिटिटिव एंड बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में। तो इसे आज हम पूरा अच्छी तरह समझेंगे। थोड़ी छोटी सी वीडियो है, उसमें ही मैं आपको ये समझा दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें, ठीक है? अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि एपिमर्स क्या होते हैं और क्या इनकी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होता है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस जो है अपने चैनल पे लाता रहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये दो स्ट्रक्चर्स आप जो दिख रहे हैं आपको, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है राइट हैंड साइड वाला, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज, ठीक है? तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाए गए हुए हैं। तो ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में एपीमर है। क्या है? एपीमर। एपीमर की डेफिनेशन क्या होती है? एपीमर वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, वो आइसोमर्स होते हैं जो किसी एक पोजीशन पे, एक कार्बन एटम पे जो ग्रुप्स की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट हो, सिर्फ एक कार्बन एटम पे, दैट इज़ द एपिमर। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें तो बाकी ये स्ट्रक्चर्स आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगी। आपको सिर्फ एक ही जगह जो है वो डिफरेंस मिलेगा, और दैट डिफरेंस इज़ प्रेजेंट एट द फोर्थ पोजीशन। जो फोर्थ कार्बन है, देखिए ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो जो फोर्थ कार्बन है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर जो OH, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड एंड इन द गैलेक्टोज वो ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट होगा। तो सिर्फ एक OH की पोजीशन इसके अंदर डिफरेंट है, बाकी जो स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये दोनों आपस में एपिमर्स हुए। तो अगर कोई ये कहता है कि भाई जो गैलेक्टोज है वो ग्लूकोज का C4 एपिमर है, तो वो स्टेटमेंट सही होगी या नहीं होगी? तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी कि जो गैलेक्टोज है दैट इज़ द C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि जो C4 पोजीशन है उसके ऊपर ही डिफरेंस है। तो इसीलिए गैलेक्टोज को ग्लूकोज का C4 एपिमर कहा जाता है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, मैं और वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।